Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय नत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। उसे हम श्रद्धा भी कहें या न कहें, उसे हम विश्वास कहेंगे। उसे विश्वास होता है, चाहे उसके विश्वास को कितनी बार चोट लगती है, क्योंकि रजोगुण की बढ़ोतरी होती है, रजोगुण विश्वास होता है, इसलिए वो उस विश्वास को बनाए रखता है। उसी विश्वास के आधार पर वो समाज में कश्मकश करता चला जाता है। विश्वास हमारी जिंदगी का आधार बन जाता है, लेकिन उसके विश्वास को चोट लगती है, चोट पे चोट, चोट पे चोट। कभी ना कभी आप जैसी अच्छी दशा बन जाती है, दुनिया से विश्वास टूट जाता है। चाहे कोई समझाए या ना समझाए, अपना कड़ा तजर्बा ही हमारे गुरु का काम करता है। अब टूटा हुआ विश्वास भगवान की ओर मुड़ जाता है। जब वो विश्वास जो हमने कंचन में, कामनी में, कीर्ति में किया था मेरे देवी और सजनों, और जब वो भगवान की ओर लगता है, अब हम उसे विश्वास नहीं कहेंगे, अब उसे हम श्रद्धा कहेंगे। श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है आप पूछ सकते हैं। विश्वास जीव को बाहर्मुखी बनाता है, श्रद्धा जीव को अंतर्मुखी कर देता है। विश्वास आउटगोइंग, श्रद्धा इनगोइंग। श्रद्धा भगवान के प्रति होती है, विश्वास कंचन कामनी कीर्ति या एक शब्द कहे तो जहान के प्रति होता है। विश्वास से जीव के मन में बेचैनी नहीं होती, श्रद्धा से इसलिए बेचैनी होती है कि इंसान दुविधा में होता है, पता नहीं मेरी बात बने या न बने। जब वो श्रद्धा हो जाती है भगवान के प्रति, दुविधा हट जाती है। ये भी एक भगवान की मैं कृपा कहूंगा, जब कई जन्मों के बाद जीव में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है भगवान के प्रति, और ये भाव दृढ़ होने लगता है कि मेरी मांग जो कल्याण की है, सदा रहने वाली शांति की है, मेरे भगवान पूरी कर देंगे। अब उसकी ये श्रद्धा टूटती नहीं, क्योंकि उसको भगवान की विशेष कृपा से ऐसे सत्संग मिल जाती है, गीता जी का फरमान मिल जाता है, कुछ आप व्यवहारिक या प्रैक्टिकल रूप में जुटने लग जाती है। भगवान जी आंतरिक रूप से एक दिव्य आनंद आपको देने लग जाते हैं, इससे आपकी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है।
ये मैं भगवान की देन कहूंगा, भगवान की बख्शिश कहूंगा, भगवान की एक विशेष कृपा कहूंगा मेरी देवियों। तो महाराज जी इस अध्याय के माध्यम से तीनों गुणों को साथ लेते हुए रजोगुणी तमोगुणी विश्वास करके कितनी चोटें खाते हैं और सतोगुणी विश्वास करके कैसे बढ़ता चला जाता है, अपने आंतरिक भाव कैसे पूरे करता है, कैसे वो आगे आगे अपने आप को भगाता जाता है, इसमें एक बहुत अच्छा कहा मैं आपका ध्यान खींचूंगा। श्रद्धा माया अयम पुरुषा योजत श्रद्धा साहेब सा के इंसान खुद ईमा की तफसीर है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। बहुत कमाल का भाव। मनुष्य की परिभाषा क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं? भगवान ने एक शब्दों में कहा जैसे उसकी श्रद्धा है वैसा वो है। ये नहीं कहा जैसे उसकी आकृति या अपीयरेंस है। इंसान आंतरिक है बाह्य नहीं, याद से पॉइंट पकड़ लो। इंसान शक्ल का नाम नहीं, इंसान अकल का नाम है। हाय दो शब्द पिकअप कर लो, इंसान अकल है शक्ल नहीं, इंसान सूरत नहीं सीरत है, इंसान आकृति नहीं प्रकृति है। प्रकृति कहते अंदर की स्वभाव, तेरी प्रकृति अच्छी नहीं, आकृति तेरी अच्छी है। आजकल तो बड़ा अजीब वातावरण बना हुआ है, मन के मैले और तन के उजले। अंदर तो काली वृत्तियां गए लेकिन तन बड़ा उज्जवल कर रखा है। भगवान ने हमारी बड़ी मदद की मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सजनों, जब ये कह दिया कि श्रद्धा को ही इंसान मान लो। अंग्रेजों के पास कोई शब्द ही नहीं था, इसलिए उन्होंने संक्षिप्त में कहा मैन इज माइंड। लेकिन मैन इज माइंड कहना उचित नहीं है, ये मिल्टन कवि की शब्द है मैन इज माइंड। लेकिन माइंड में विचार आते गए और विचार श्रद्धा के अनुसार बनते हैं। वैदिक फिलॉसफी बहुत गहरी उतर गई है। माइंड तो अपने आप में काम ही नहीं करेगा, माइंड तो श्रद्धा के अनुसार काम करता है। अगर मैन इज माइंड तो फिर दिव्य पुरुष किसको कहेंगे, एनिमल किसको, एनिमल मैन किसको कहेंगे? क्योंकि वो बोलते हैं एनिमल मैन 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 सुपरमैन, हम कहते हैं मनुष्य रूप में पशु, मनुष्य रूप में भद्र पुरुष, मनुष्य रूप में देवता। ऐसा क्यों कहती है? उसके अंतःकरण की श्रद्धा को देखकर। एक की श्रद्धा भगवान की ओर है, उसमें गुण भरते जा रहे हैं। एक की श्रद्धा रजोगुणी है, जिसको मैंने कहा श्रद्धा नहीं कहते विश्वास कहते हैं, वो गिरता चला जा रहा है। एक की तमोगुण में है, वो और भी अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। महाराज जी ने बहुत अच्छा कहा अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान की शॉर्ट स्नैप क्या है, उसके उद्वेग अच्छा, उसके इरादे अच्छा, उसके अंदर जो भावनाएं है, ये इंसान। भगवान कृष्ण इसी को ही बदलना चाहते हैं। या आकर के हमारी ओवरहॉलिंग होती है या अमूल चूल परिवर्तन होता है तो इसी का परिवर्तन होता है। हमारे में ये एक एहसास का मादा प्रभु की कृपा से पैदा होता है, मैं नहीं पैदा कर सकता, शायद कोई और भी ना पैदा कर सकता होगा। ये भगवान की बख्शिश है, जो महाराज जी ने खुद भी कहा दरअसल होती है मेरी ही दाद। ये भगवान की दाद है, इंसान में एहसास का मादा पैदा होता है। एहसास किसे कहती है? फीलिंग। क्या फीलिंग? मेरे इरादे ठीक नहीं, सचमुच मेरे विचार ठीक नहीं, मेरी क्रियाएं ठीक नहीं, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। जब ये भाव पैदा हुआ, जब ये भाव आप में आया, अब थोड़े दिनों में एक शानदार इनकलाब आ जाएगा, बहुत ही अच्छा इनकलाब। देवियों केवल एहसास होना चाहिए कि जो कुछ मैं कर रही हूं अपने लिए शत्रु बनी हुई, अपने साथ वैर कमा रहा हूं। अब आप बदलने लग जाएंगे, अब आप में श्रद्धा आ जाएगी। किसके प्रति? भगवान के प्रति, भगवान के फरमान के प्रति,
भगवान के उपदेश के प्रति, भगवान की नेक राय के प्रति। अब क्या हो गया, आपकी शक्ल तो वही रहेगी, अकल बदल गए, विचार बदल गए, बाहर के कर्म बदल जाएंगे, आपके मित्र बदल जाएंगे, आपका सारा वातावरण ही बदल जाएगा। शाबाश, किसने बदला? श्रद्धा ने। बड़ा जरूरी गुण है श्रद्धा, लेकिन कई जन्मों के बाद हृदय में उत्पन्न हो जाती है, अंतःकरण में आ जाती है। ये ऐनुल यकीन या हक्कुल यकीन, इसके पश्चात इंसान को देवता कहने तो कोई अतियुक्ति या एग्जेजरेशन नहीं होगी। तो भगवान जी इस अध्याय को इसी नाते से शुरू कर रहे हैं कि रजोगुण इंसान जो विश्वास करता है कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, जर में, जन में, जमीन में, उसके परिणाम को देख लो। तमोगुण ये श्रद्धा करता है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ई ड्रिंक एंड बी मैरी, उसके परिणाम को भी देख लो। और सतोगुणी जो भगवान में, भगवान के उपदेश में श्रद्धा करता हुआ अपने आप को बनाने की चेष्टा करता, उसके परिणाम को भी देख लो। हमारे मन में भगवान के प्रति और भी श्रद्धा जागी। याद रखना, हमारा देश यही कहता है, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। आप जिधर भी जाना चाहते गए मेरी देवी भगवती, ये तो देख लिया करो कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। ये कर्म मैं करने जा रही हूं पर परिणाम। हमारे भारत के उच्चकोटि के ऋषि इस बात पे बड़ा जोर दे गए, यहां नेकी बदी दो रास्ते गए गौर से सुन दे, प्रश्न ही ना किया करो क्योंकि इसका उत्तर नहीं मिलेगा। भगवान ने नेकी बदी क्यों बनाई? भगवान ने नेकी बनानी थी, शुभ अशुभ वृत्तियां या नेगेटिव पॉजिटिव वृत्तियां क्यों बनाई? और भगवान ने आपको बुद्धि तो दी है ना, बुद्धि अंदर की आंख है, जबकि मां बाप ने हमें ये चरम चक्षु दिए हैं, ये बताते रहती हैं, पहचान करवाते गए, ये मेरी माता जी है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी इत्यादि। और अंदर की आंख बताती रहती है उचित क्या है, अनुचित क्या, रवा ना रवा में तमीजी यही अकल करवाती है, जिसे हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। ये भगवान जी की कृपा से, भगवान के उपदेश के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। बस जब ये अवस्था बनी, इसके बाद मेरे प्रभु इस अध्याय की एक बात और आगे ले चले। सतोगुणी जीव भगवान की पूजा करेंगे, रजोगुणी जो जीव है वो धन पदार्थों की पूजा करेंगे, जो तमोगुणी जीव है वो अपना दिन कैसे काटेंगे, भूत प्रेतों को यज्ञ देते हैं। पूजा तो वो भी करती है, लेकिन अच्छे ढंग से। अब भगवान ने कह रहे था सारे पुजारी हैं, रजोगुणी कंचन कामनी कीर्ति की पूजा कर रहा है। पूजा का मतलब होता है जिसमें उसका ज्यादा समय गुजर जाए, उसके विचारों में कंचन है, कामनी है, कीर्ति है, सतगुण के विचारों में भगवान है, भगवान का ज्ञान है, भगवान की दिव्य आकृति है। जैसे आप कह रहे तमोगुण की बात पूछो नहीं, भूतों प्रेतों को शमशान में जाके, जैसे किसी पंडित जी ने भ्रांतिपूर्ण विचार दे दिए उसी को सत्य मान के उसका व्यवहार, उसका खाना पीना गंदा रहता है। अमरा जी बताइए, ये जो भगवान का पुजारी बन जाता है तो भगवान ने एक नियम बना रखा है, जो आपके मन में बार बार आएगा आपका अंतःकरण वैसा बनता जाएगा। सुनारा मुंद्री भी बना देता है और छाप भी बनाता है। वो जिस प्रकार की अपनी बेबी हथौड़ी से चोट मारता है, सोना वैसी शक्ल ले लेता है। इस तरह हमारे विचारों की चोट जैसे मन को लगती है, मन वैसे ढलता बनता चला जा रहा है। थॉट इज जस्ट लाइक स्ट्रोक, स्ट्रोक टू द माइंड। आप जैसे स्ट्रोक मारेंगे, ये अपने मन में रख ले मेरी देवी और सजनों, विचार मन के ऊपर चोट मारता है और मन वैसे बनता जाता है। वो इंसान देव पुरुष भी बन गया,
वो इंसान शैतान भी बन गया और वो इंसान भूत प्रेत भी बन गया। इंसान तो एक ही है, कोई शक नहीं। जैसे लोहा एक ही होता है, लेकिन उसको किस सांचे में आपने डाला है, मेरे मालिक मेरे प्रभु। लोहे को तो तपा तपा के हम पानी की तरह लिक्विड कर लेते हैं, आगे सांचे बने होती हैं मिट्टी के। वो पिघलता हुआ लोहा जिस सांचे में जाएगा वैसी शक्कर हो जाएगी। जैसा सोचोगे वैसा बन, एज यू थिंक सो यू बिकम। इफ यू थिंक ऑफ वर्ल्ड यू बिकम वर्ल्डली माइंडेड, इफ यू थिंक ऑफ गॉड यू बिकम गॉड माइंडेड। अपने विचारों पर ही यह अध्याय इस रूप में हमारे पर बड़ी मेहरबानी कर रहा कि अपने विचारों की निगरानी कर लो। विचार संसार के बारे में न सोचे जो कि आप परलोक बनाना चाहती है, बल्कि जो आपकी जिम्मेवारी है वो पूरी कर लो। आज मेरे से इतना ही पकड़ लो, संसार के बारे में न सोचा करें, आपकी उन्नति रुक जाएगी, एकाग्रता में फर्क पड़ जाएगा। इस मार्ग में पवित्रता और एकाग्रता चाहिए, इसलिए जिस समय का जो कर्तव्य है पूरा करो, सोचो नहीं। घर में आटा दाल नहीं, जाओ और ले आओ। लड़की जवान बैठी है, श्रीमती कह दो मैं कोशिश कर रहा हूं, जब मेरे प्रभु चाहेंगे कोई योग्य वर मिल जाएगा। काका बीमार है, आप दवाई दे रही हो, श्रीमान जी अच्छे डॉक्टर घर में लाकर बच्चे के दिखा रहे हैं, बस इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप भक्ति नहीं करेंगे। काका बचेगा कि नहीं, काका का बुखार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, या आप भूल करेंगे। इलाज कर रही है, आगे जो प्रभु की इच्छा। पानी की तरह रुपया लगाया जा रहा है, बिल्कुल। तो आपका मन क्या होगा, भगवान के विचारों में रहेगा। इस पॉइंट को पकड़ लो और अभी पकड़ लो, तब संसार की कोई घटना, संसार का कोई रूप, संसार की कोई बाहर का वातावरण आप पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि आपके विचारों में भगवान जी है। आम तौर पर आपसे भूल जाती है, आप संसार के बारे में चिंतन करते हैं, तो इस मार्ग में आप खुद बाधा बन जाती है। चिंतन नहीं करना, चिंतन भगवान का करना है। जिस समय का जो काम आ गया मेरी देवी कर गुजरो। अगर आप में क्षमता या समर्थता है उस काम को करने की, कर लो, ताकि उसका चिंतन फिर आगे भी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर आप पकड़ ले फिर क्या होगा, फिर मेरे भगवान जी जो कहा है सदा मेरा पैगम जिसे ही ध्यान है, आपका मन भगवान में लगा रहेगा और मन धीरे धीरे करके उन्हीं के रंग में रंगा जाएगा। गृहस्थी लोग इसलिए तरक्की नहीं करते कि वो दुनिया का चिंतन ज्यादा करते गए, और उधर भगवान कहते हैं वो करती हैं आपस में पुर नूर दिल मेरे जिक्र से शादु मसरूर। जिक्र तो हमने भगवान का करना है, और जिस समय का जो काम है हमने कर लिया, बस अब आप खुद आजमा लेना, बड़ी जल्दी तरक्की कर जाएंगे। भगवान कहते हैं ये गए इंसान जो उसमें विचार उठते रहते हैं, ये सतगुण इंसान जिसमें भगवान का विचार उठता है, यह रजोगुण इंसान जिसमें हर समय जहान का ख्याल उठता है, यह तमोगुण इंसान जिसकी रहनी गंदी, खाना पीना गंदा, व्यवहार गंदा, सोना गंदा, उसे पता नहीं कि चरित्र क्या होता है, वो तमोगुण इंसान है। ऐसो करिए भगवान ने कहा जब ये मर जाएंगे ये फिर इंसान योनि में नहीं आएंगे, दरिंदों परिंदों चरिंदों में, तो ये एनिमल बीस्ट वर्ल्ड्स में जाकर के अपनी तबाही मचाते हैं। बस अपने पर श्रद्धालु हैं आप, सतगुण बढ़ी हुई है मेरी देवी आपके अंदर, इतनी कृपा कर ले लो कि मेरा चिंतन भगवान का होना चाहिए। भगवान ने गीता जी के अंदर एक नहीं अनेक बार कहा, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से निजात अपनी पाते रहे। आगे बढ़ो, फिर का फिदा मुझ पे कारदान शो दिल मदाम, मेरा वस्त्र पाएगा। वही उपदेश, शब्द अलग अलग है, उपदेश वही है। अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में खया। फिर बात बार बार वही आ रही है, बार बार वही, अर्थात विचार अपने मालिक के। आप खुद देखोगे बड़ी जल्दी आपकी उन्नति हो जाएगी, भगवान मेरे प्रसन्न हो जाएंगे जिसके मन में विचार भगवान के उठते हैं। चलते फिरते आपका मन भगवान में लगेगा। माना आप गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी का मतलब जिम्मेवारी पूरी करो, जो जिस समय का काम है कर गुजरो, लेकिन चिंतन भगवान का अभी पकड़ लो। तो भगवान कहते हैं ये मनुष्य बड़ा श्रद्धालु है, क्यों, इसमें भगवान के विचार उठ रहे हैं, ये देवता बन जाएगा।
ये इसमें कंतरकामी कीर्ति के ख्याल आते हैं तो ये संसारिक बनता, जैसे बोलते हैं परपंची, ये परपंची बनता जाएगा, अर्थात परपंच में संसार में खलता दिन रात उसी में। और तीसरे की तो बात ही ना कहो, शराब में गुट है, लड़ाई झगड़ों में गुट, और गंदी बातों और घातों में गुट, तमोगुण। लेकिन आप अपने सतोगुणी है, इसलिए भगवान ये कहना चाहते हैं क्या कि तुम इसी की पूजा, इन्हीं विचारों की पूजा करते रहो। पूजा होती है जहां मन का झुकाव हो, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, अब सिग्नल मुझे ऑन नजर आ रहा है, हाँ, और ये मेन लाइन का सिग्नल है तो गाड़ी मेन लाइन पे आने वाली है, अगर परला सिग्नल होता तो लूप लाइन का सिग्नल था, जो साइड लाइन जैसे लूप लाइन बोलती तो गाड़ी उस लाइन पे आती। जब आप में विचारों का चिंतन है तो भगवान की गाड़ी आने वाली है, मेरे प्रभु के दिव्य दर्शन आपको दसमा लेना होने वाले हैं। आपको देर क्यों हो रही है कल्याण में, अगर आप विचार संसार के कर रहे हैं, दूसरे विचार करते हैं तो फिर आप अपने मार्ग में आप बाधा बन। आज से ही, अभी से ही शुरू कर दीजिए कि मैं प्रभु का चिंतन करूंगी, ये श्रद्धा है मेरे में, भगवान का चिंतन होगा क्योंकि आप में सत्वगुणी श्रद्धा है, बस आपका अंतःकरण निर्मल होता जाएगा और भगवान के रंग में रंगता चला जाएगा, एकाग्रता आपकी बढ़ती चली जाएगी, सपने आपके बंद होते जाएंगे, ज्यादा बोलचाल आपकी बंद हो जाएगी, संसार का ज्यादा व्यवहार नहीं होगा, किसका, जिसके चिंतन में भगवान जी है, जो ख्यालों में अपने भगवान जी का चिंतन कर रहा है, जिसके विचारों में भगवान जी आ रही है, वो अपनी बाजी ले जाएंगे, ऐसे जी कमाल कर देंगे, बड़ी जल्दी निहाल हो जाएंगे। आज के बाद देखिए आपके चिंतन में भगवान जी रहती है, क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु, सतोगुण तो पूजेंगे देवों को, बस आप जैसे भगवान का ही पूजन करते रहती हैं, अर्थात भगवान का ही चिंतन करते रहती, शुक्र बनाते रहती, रजोगुणी के अंदर और कुछ बीतती है, हमारी शक्लें तो एक जैसी है लेकिन विचारों में बड़ा अंतर है, पर जिसके विचारों में भगवान सच मानना उसका हो गया कल्याण, जिसके विचारों में जहान हाँ उसकी तबाही है, चाहे दिन हो चाहे रात, क्योंकि जहान नाम है अनेकों गंदी वृत्तियों का, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, तो उसको भी चैन करती रहेगी, और भगवान नाम है क्या, प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धा का, उसका मन दिन प्रतिदिन टिकता जाएगा, टिका हुआ मन भगवान के काबल, भटका हुआ मन जहान के काबल। तो टिकता कैसी है, जब अटूट श्रद्धा भगवान की हो के चिंतन भगवान का हो जाए। आपको मैं तो भगवान की पुजारी हूं, आस्तक हूं, कृष्ण नहीं मानते, कृष्ण कहते जो आस्तक होगा वह भगवान का चिंतन करेगा, ये हमें पता ही नहीं लगा, हम सोचते जो भगवान को मानता है वो आस्तक है, भगवान कहते नहीं, जो मेरे बारे में चिंतन करता है वो आस्तिक है। वैसे आप भगवान में श्रद्धा हो लेकिन जहान का चिंतन है, भगवान कहते हैं परागंदा दिल है, ये मक्कार है, उसको भगवान कहते हैं ये मक्कार आदमी है, अपने आप को भगत भी कहलाता है लेकिन अंदर चिंतन जहान का करता है। जैसे बगला होता है, एक टांग पे बैठा हुआ ध्रुव ध्रुव की तरह तपस्वी कहलाता है लेकिन नजरे किसी मछली के ऊपर है, बड़ा गजब का दृष्टांत है, इसलिए हम बोलते हैं बगला भगत, अर्थात बाहरी रूप में भगत है पर विचारों रूप में ठगत है। अंदर तो इसकी जहान की, इस पॉइंट को पकड़ लेना, अंदर तो चिंतन जहान का होता है, बाहरी भक्तों का बाना, भक्तों के वेशभूषा पहन रखी है, आंतरिक रूप में नहीं, इसलिए भगवान अंदर को ले रही है, तेरी श्रद्धा भगवान का चिंतन करवा रही है तो तू मेरा पुजारी है, अगर तेरी विश्वास जहान का चिंतन कराती है तो जहान का पुजारी है। अब भगवान कहना क्या चाहते हैं, जो देवों को पूजे, हाय कितना क्लियर, परस्तार मेरे, आज जाके जरूर विचार किया, मेरा मन का चिंतन भगवान का हो रहा है, भले मैं ग्रस्ती हूं, भले मैं ग्रस्त आश्रम में किसी की मां किसी की पत्नी हूं, पर मेरे अंदर चिंतन भगवान का होता है, विश्वास करना बड़ी जल्दी उन्नति कर जाओ, बड़ी जल्दी, चूंकि अकीदा ही इंसान की, हमारी तस्वीर क्या है जो हमारे अंदर बीत रही है, अंदर चिंतन किसका, मेरी बेटी मेरी मैया, अंदर चिंतन किसका, भगवान का, भगवान आपके पास बड़ी जल्दी दर्शन होंगे, अंदर चिंतन जहान का नहीं, जहान का कार्य कर लो, जिस समय का जो काम कर गुजरो,
लेकिन चिंतन भगवान का, जिक्र भगवान का, फिकर भगवान का, हाँ उसको भगवान करे वो देव पुरुष है। बिल्कुल पखंडी ना बनना, बिल्कुल अंदर बार से एक जैसी रहना, फप्पे कुटनी ना बनना बेटे, इसी शब्द लगाते हैं फप्पे कुटनी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ ना, अंदर हमारा चिंतन भगवान का हो। आज हम पक्का इरादा करते हैं कि मानसिक रूप में चिंतन अपने प्रभु का करेंगे और भगवान के इन शब्दों को चार चांद लगाएंगे, जो करते हैं खालिस इबादत मेरी। वो कौन होते हैं? यक दे लो जी में न रखे दुई, वो एक ही मन से भगवान का चिंतन करती है। उनमें दुई कहते जहान को, उनमें दुई का दुनिया का चिंतन नहीं होता। मैं भी अपने आप को टटोल लो चुके कल्याण कामी हूँ, आप भी अपने आप को टटोल लो चुके कल्याण कामी है। हम सब कल्याण के लिए यहाँ भागे भागे आते हैं, भगवान की वाणी सुनती है। अपने चिंतन को देखो, अपने ख्यालों को देखो, अपने विचारों को देखो कि आपने विचार भगवान के हैं लेगेबाजी। आप में अगर जहान के विचार आते हैं बंद कर दो, जहान का कर्तव्य कर्म कर लो लेकिन जहान का चिंतन ना करना। तब भगवान कहते हैं मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, उसमें जिस प्रकार के विचार आते हैं उसको वही समझ लो। हम उसको महात्मा नहीं कहेंगे, साधु नहीं कहेंगे, अगर उसके मन में चिंतन भगवान का नहीं है। हम उसे गृहस्थी नहीं कहेंगे, हम उसे प्रपंची नहीं कहेंगे, अगर उसके मन में भगवान का चिंतन है तो। ये इंसान विचारों का पुतला है, जिसके जैसे विचार होते हैं उसी तरह उसे समझ लेना चाहिए। और विचार भी तीन प्रकार के, सतगुणी रजगुणी तमगुणी। आप जैसे सतगुणी जीव भगवान के प्यारे बन जाते गए, रजगुणी तमगुणी संसार की ओर चक्कर काटते रहेंगे, उनका मन उन्हें सब्ज बागियां दिखाता रहता है। परंतु भगवान की कृपा से आप संसार की असलियत को पहचान लेते गए। संसार की असलियत जब जानी जाती है तो स्वयं संसार से मन ऊब जाता है, जिसे हम शास्त्रीय शब्दों में वैराग कहते हैं। वैराग हुआ और जीव अपने बटे हुए मन को इकट्ठा कर साधना में जुट जाता है, तब वो साधिक बन जाता है। साधिक अभ्यास करने वाला बुद्धि को साफ करेगा, मन को साफ करेगा, तन को साफ करेगा। जो साफ कर रहा है वही इस मार्ग में इंसाफ करेगा। ये दो शब्द ले लो, जो अंतःकरण को साफ कर रहा है वही इंसाफ कर रहा है। इसके बाद हमारे प्रभु कह रहे थे रजोगुनी और तमोगुनी जीव पुरुषार्थ तो बहुत करते गए, खून पसीना भी बहा देते गए, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं, कामना के अनुसार। उनके मन में एक जिद होती है कि जिस प्रकार की कामना मेरे में आई है मेरी पूरी होनी चाहिए। और आप जैसों के अंदर जिनमें सतगुण की प्रचुरता एवं प्रबलता है, उनके मन में ये जैसे अभी अभी सुन रहे थे, मैंने पुरुषार्थ करना है, आगे मेरे इष्टदेव जैसा करेंगे उसी में मेरी भलाई होगी। आपके किसी रूप में हट या जिद नहीं होती। रजोगुणी जीव जिद्दी हट्टी होती है, तो जो मेरे में आया वो पूरा होना चाहिए, इसी बात में वो गिरते चले जाती हैं, क्योंकि उनसे नाना प्रकार के अनुचित कर्म होने लगते हैं। हजूर कहते हैं उल्ट शास्त्र के करे काम सब, वो मक्कार खुद भी है और सख्त गोश, भरी इनमें गए कुवते हिस्सो जोश। उनमें लोभ भरा होता है, उनके मन में बेचैनी और बेकरारी होती है। जिनमें रजोगुनी श्रद्धा है, कामना को पूरा करने वाली श्रद्धा है,
उनका जिक्र करते हुए भगवान फरमा रहे गए और परिणाम क्या बता रहे गए, बेचैनी बेकरारी। जो इंसान चाहता नहीं लेकिन उसे पता भी तो लगे कि ये सारी बात मेरी सतोगुण श्रद्धा से बनेगी। और मेरे भगवान कहने लगे, करे वो दुखी पांच तत्व का बदन। जो भगवान ने ये पांच तत्वों का पुतला बनाया है अपनी कामना पूरी करने के लिए, इसको खराब करते हैं, गंदे कर्म कर, कठोर कर्म कर, इतना शरीर नहीं निकालता जितना वासना के अधीन होकर के वो निकालना चाहते गए। यहां तक भगवान कह रहे हैं, मुझे में जो इस तन में हूं खैमजन, जो मैं इस शरीर के अंदर रहता हूं, मानो मुझे भी वो तपाते रहते गए। अब भगवान कहने के लिए मजबूर हुए, बजायर तो हर चंद इंसान है, वो जो इरादा उनका देखो तो शैतान। देखने में तो वो इंसान दिखाई देते गए लेकिन अगर उनके इरादे विचारों को देखा जाए तो वो पक्के शैतान है। असुर कौन होती हैं, जिनमें बुराइयां भरी पड़ी हो। देवता कौन होती हैं, जिनमें गुण भरे हुए हो। देवियों गुण जिनमें भरे हो वो देवता कहलाएंगे और जिनमें अवगुण है उनको मेरे भगवान शैतान कह रहे हैं। उनकी छोड़ो, भगवान तो मुकाबला करा के बताना चाहते गए कि सतोगुणी श्रद्धा से लोक परलोक बनता गए, तमोगुणी और रजोगुणी श्रद्धा वालों को बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। जब परिणाम उनका कड़वा निकलता है, परिणाम उनके विपरीत रहता है, तब उनको पता लगता है कि ओह हमने भूल की। इतनी बात करने के बाद भगवान जी भोजन को ले लेते गए। भोजन भी तीन प्रकार का, सतोगुणी भोजन, रजोगुणी और तमोगुणी। क्यों? क्योंकि हमारे महर्षियों ने अनुभव करके ये बता दिया और आप जानते भी हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न जो हमने खाया या जल की तरह तरल पदार्थ या लिक्विड जो हमने लिए, इनके अंदर जाके दो भाग बन जाती है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से अन्न के स्थूल से हमारा स्थूल शरीर बनता है और अन्न के सूक्ष्म भाग से हमारा सूक्ष्म मन और बुद्धि बन जाते हैं, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात। ये भगवान जी है जिन्होंने गीता जी में अन्न का भी जिक्र किया, जो हम रोज सेवन करते हैं, ताकि हमें ये जानकारी हो जाए। आप कह रहे हैं क्या सतोगुणी वो खुराक खानी चाहिए जिससे सारा दिन उत्साह बढ़े भगवान के प्रति, भजन के प्रति, भगवान के उपदेश के प्रति। सारा दिन मन में सुफुर्ती होनी चाहिए, सारा दिन मन में एक चाव होना चाहिए, लगनता होनी चाहिए, हमारा मन मुरझाया हुआ ना हो, हमारे चेहरे पर रौनक हो। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जिनके चेहरे पर रौनक है और बड़ी खुशी खुशी काम करते हैं। बड़े भगवान के नाम पर जो काम को पूरा कर देते हैं लेकिन चेहरे पे रौनक बनाए रखते हैं। ऐसी खुराक खाए जिसमें बुद्धि में बल आए, मन में बल आए, तन में बल आए। ध्यान देना, भगवान इनडायरेक्टली समझाए जा रहे हैं, बनी बनाई सेहत बिगड़े नहीं, सेहत बढ़े, स्वास्थ्य हमारा मानसिक बौद्धिक और शारीरिक रूप में बना रहे। जो सुख कल महसूस कर रहे थे आज वो ज्यादा महसूस हो, अन्न का प्रभाव। ये नहीं कि कल मैं ज्यादा सुखी था आज मैं दुखी हो गया, अन्न का प्रभाव पड़ा होगा। तो ऐसा प्रभाव हो जिससे सुख उत्तरो उत्तर बढ़ता चला जाए। मेरे भगवान क्या कह रहे हैं, और आपस में प्रेम बढ़े, द्वेष न बढ़े, माता जी के प्रति, पिताजी के प्रति,
जो भी घर में फैमिली सदस्य है, हमारे परिवार में जो रिश्तेदार है, हमारा उनमें प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, घटे नहीं, उनमें अवगुण न देखे, उनमें गुणों को देख देख के अपने प्यार को बढ़ाते चले जाए। ऐसा रसदार भोजन, ऐसा अंदर टिकने वाला भोजन, ऐसा अपने मनो अनुकूल भोजन अर्जुन सात्विक माना गया है। गिजा जिससे सेहत और जिंदगी, बड़े जोर ताकत खुशी खुर्रमी, मुकवी और पुर रोगन और खुशगवार, सतो गुण के शायक को है इससे प्यार। आप तो प्राय सबके सब सतगुणी भोजन ले रहे हैं, दालें हो गई, सब्जी हो गई, दूध दही हो गया, ज्यादा मिर्च नहीं, अब सब जानती है, ज्यादा मिसाले नहीं, ज्यादा गर्म चीजें नहीं, बासी नहीं, सब आप शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। इससे मन में सतगुण बढ़ता है, मन में शांति आती है, मन भी चैन नहीं होता, मन अपने आप में रहता है, अति सुंदर। भगवान कृपा करे, जैसे हमें सत्संग चोटी का मिला हुआ है गीता जी का, इस तरह आंतरिक रूप से भी हम बिल्कुल साधारण बने रहें। अपने खुराक को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज आज मेरे खाने में ना आ जाए जो मेरे अंदर हलचल मचाए। फिर भी प्रसंग है, मैं इसलिए कुछ प्रकाश डाल रहा हूं, आप तो संभले हुए हैं, खासकर जिस दिन मेहमान आ जाती है विशेष निगरानी रखिएगा कि गड़बड़ ना मच जाए, ताकि भगवान कह रहे हैं प्रीति बढ़े, सुख बढ़े, सेहत बढ़े, सारा दिन उत्साह बढ़ा रहे, उत्साह में कमी ना आए। समझा जाना चाहिए भगवान की अपार कृपा से मैंने सतगुणी भोजन दिया, और फिर एक भोजन के दूसरे भोजन में 7 घंटे का अंतर, सवेरे का भोजन और शाम के भोजन में कम से कम 7 घंटे, ताकि हाजमे पर ज्यादा बोझ ना पड़े, पाचन शक्ति तेज हो। कितना सुंदर हमारे भगवान जी बता रहे हैं, सतगुणी भोजन से भगवान के प्रति हमारा मन बढ़ने लगता है, हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक खुशी। रजोगुण का भोजन होता है खट्टी कड़वी गिजा, जली चटपटी, बहुत गर्म, बासी, इससे रंज दुख या तन के रोग पैदा हो जाती है। आप भले प्रकार जानते गए, भगवान आपको रजोगुणी भोजन से बचाए रखे। तमोगुणी बासी बूदार गंदी गिजा, बद जायका जूठी गिजा, ये खाना तमोगुण के बंदों का है, कि खाना जो गंदा है गंदा। आप ही सब इन ऐसे रजोगुणी खानों से बचे हुए गए, ये भगवान की शांति, ये भगवान की विशेष कृपा है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा खाने का विशेष ध्यान रखा करें, क्योंकि हम भूल नहीं सकते जैसा अन्न वैसा मन। अगर किसी से किसी प्रकार की भूल हो रही हो, आपकी रोशन जमीर, आपका शुद्ध अंतःकरण आपको फौरन बताएगा कि यहां मैं भूल कर रहा हूं। सतगुणी खिजा पर एक स्वभाव बना लो, बस उससे आपका काम चलता रहेगा। किसी से कोई भूल, जो मैं बार बार कह रहा हूं, अभी कुछ से गलती हो रही है, नारी होकर भी कुछ आप अंडे उंडे का सेवन कर जाती हैं, छोड़ दो, इससे रजोगुण बढ़ जाएगा। आप में कुछ एक भाई बैठे गए, ये सिगरेट का लेना ये छोड़ दीजिए, और भी कोई पान पून का चबाना अब हमें नहीं शोभा देता, क्योंकि ये सब रजोगुण में आता है। और भी कुछ देवियां गड़बड़ मचाती हैं, और आपको पता भी लग रहा है कि ये गड़बड़ है, छोड़ दो, ताकि मन शांत रहे, मन आनंदित रहे। श्रीमान जी को भी मना लो,
कि घर में ऐसी चीजें न लाया करे जिससे कि मन खराब हो जाता है। प्रभु आपको शक्ति दे। आप अपना कल्याण करना चाहती हैं, जहां कुछ कमी खुराक में हो रही है वो आप सुधार कर लें। आ फलाकांक्षी बीजज्ञा विधि दृष्टा च इज्जते यष्टव्यम एविति मना समाधाय सत्सात्विका। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम। अब भगवान ने यज्ञ का जिक्र किया। यज्ञ के विषय में मेरे देवियों प्रभु फरमा और बता रहे हैं। जो यज्ञ भगवान यज्ञ होता है बटे कुर्बानी, या कहती है मेरे देवियों अपने स्वार्थ का त्याग, यही यज्ञ के अर्थ लगाना, स्वार्थ का त्याग। अब भगवान इसके विषय में कैसे बता रहे हैं। वही है सतोगुण का यज्ञ बिल जरूर, कौन सा ना हो फल की ख्वाहिश का जिसमें फतू, मेरा ये कर्तव्य है, ये मैंने करना है, बस मुझे ये मिलेगा। अगर आपने ये भावना रख ली उसको यज्ञ नहीं कहेंगे। यज्ञ वही कहलाता है मेरा कर्तव्य है परिवार के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, बस आगे मुझे ये मिलेगा, ये मेरे भगवान जाने, जो प्रभु ने मेरे मुकद्दर में लिखा है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, अवश्य वही मिलेगा। अपना कर्तव्य निभाई चलो, इसको भगवान कहते सतोगुणी यज्ञ। भगवान खुश, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण से जाप करने का, मालिक के निकट पहुंचने का बड़ा मजा आता है। जितना अंतःकरण निर्मल उतनी उपासना आपकी बढ़ती चली जाएगी। शाबाश। अमल शास्त्र की रियायत से हो, जो भी आप कर्म करेंगे वो करेंगे शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक। पहले जो कर्म करते थे मन की वासना के अनुसार, अब शास्त्र के अनुसार, कि मेरे महर्षि अनुभवी महर्षियों ने कर्म को करने का ये ढंग बताया गया, उसी तरीके से करके हम अपने आप को निर्मल पाएंगे, अपने अवस्था अच्छी बना लेंगे। ये ध्यान से मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और वो भी निस्वार्थ होकर, अपनी किसी प्रकार की कामना या वासना न रख के, ऐसे अंतःकरण आप अपने जल्दी निर्मल कर लेंगे, साफ कर लेंगे। इबादत इबादत की नीयत से हो। जो भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं भगवान जी के लिए, आप तो मुझे पूरी उम्मीद है कोई कामना रख के नहीं करते, भगवान की भक्ति भगवान के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए, बहुत ही अच्छा। ये बहुत सुंदर है मेरी सज्जनों, मेरी देवियों, इसे बोलते हैं सतगुणी यज्ञ। और ये हम सब कार्य रहेंगे, इससे बड़ी जल्दी जीव अपना कल्याण करता। मैं फिर आगे बढ़ने से पहले याद कराऊंगा, जो कुछ भी करना है भगवान के नाम पर, कामना रख के नहीं, वो तो आप रखते नहीं, फिर भी मैं कहूंगा किसी कामना को सामने रख के कर्म नहीं करना। मेरा कर्तव्य है, मैं कर रही हूं, करते जाऊंगे। आप मेरे प्रभु रजोगुनी यज्ञ बता रहे हैं जो करने वाले गए, बिल्कुल उलट, ना उनका लोक बनता है ना परलोक बनता है। अगर यज्ञ या फल की ख्वाहिश के साथ, ख्यालो नमूदो नुमाइश के साथ, तो अर्जुन नहीं, ये सतोगुण का यज्ञ सर रजोगुण का है। ये रजो लोगों को दिखाने के लिए, इज्जत के लिए, धन पदार्थ खर्च किए, वाह वाह लेने के लिए, और पूरी फल की इच्छा, ये यज्ञ करूंगा मुझे मेरे देवता खुश हो जाएंगे, मेरा बेटा हो जाएगा, मेरा मुकदमा जीता जाएगा, या जो घर में कमी है प्रतीत होती वो मुझे मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ये रजोगुनी यज्ञ है, इससे जीव का लोक परलोक भी दोनों नहीं बनते। ज्यादा विस्तार न करो, आप सब जानते हैं, और इससे मेरे प्रभु आपको बचा रखा है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।